सीबीआई भर्ती पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। थोड़ी देर में अवकाशकालीन जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच करेगी मामले पर सुनवाई। 11 ट्रेनी एसआई सहित 12 आरोपियों की याचिका पर सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश को दी गई है चुनौती। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जमानत देने के आदेश को किया था रद्द। 12 अप्रैल को जयपुर महानगर सीएमएम कोर्ट ने दी थी जमानत और राजस्थान हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश को दी गई है चुनौती। कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत देने के आदेश को किया था रद्द और 12 अप्रैल को जयपुर महानगर सीएमएम कोर्ट ने दी थी जमानत। और एसआई भर्ती पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। थोड़ी देर में अवकाशकालीन जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस मामले पर कुछ ही देर में सुनवाई करेगी। 11 ट्रेनी एसआई सहित 12 आरोपियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, एसआई भर्ती को लेकर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों ने एक बार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया है। राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर इन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट पर में जो है याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार, राजेश्वरी सहित एसआई ने अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये याचिका दायर की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 मई को सुनवाई करते हुए एसआई भर्ती को लेकर जो याचिका दायर की थी निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था और उसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता जो है शिवमंगल शर्मा को जिम्मेदारी दी थी। इसके साथ ही 4 अधिकारियों को की एक विशेष टीम इस केस के लिए जो है बनाई गई थी। इसमें जो पूरा मामला था, जो जयपुर महानगर द्वितीय सीएम कोर्ट है उसमें 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल ने जो है 12 अप्रैल को जिनकी जमानत उनको जमानत दे दी थी। ट्रेनी एसआई को जमानत मिलना और एसओजी के लिए ये मतलब बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद ये पूरा मामला जो है राजस्थान हाईकोर्ट में गया और राजस्थान हाईकोर्ट ने जो इनकी अंतरिम जमानत थी उस पर जो है 15 अप्रैल को रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को राजस्थान हाईकोर्ट भेजते हुए एक सप्ताह में मामले की सुनवाई करने के आदेश दिए थे। लेकिन जब इनको निराशा लगी और अब एक बार फिर से जो है ये जो अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले पर थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। शुक्रिया आपका कुणाल, तमाम जानकारी के लिए।